ये जो राजस्थान के जो कोचिंग संचालक है बहुत पैसे वाले, मैं मान गया, लेकिन वो अपने पैसे के दम पर बच्चों को तंग नहीं कर सकते। ये कोचिंग संचालक सावधान हो जाए, इनकी कोचिंग खाली हो जाएंगे। और मैं माँ बाप से भी कहूंगा, इन कोचिंगों से बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे। बच्चे तो आपके पढ़ने में होशियार है वैसे ही, आप इन कोचिंग वालों को पैसे भी देते हो और वो आपके बच्चों को थ्रेट करते हैं, परेशान करते हैं। और ये तय बात है, क्या राइट है उस कोचिंग वाले को एग्जाम लेने का? कौन है ये कोचिंग वाले? हर दूसरे तीसरे दिन एग्जाम लेते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं क्लास में, मैंने पता कर लिया, उसको डिमोरलाइज करते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा बहुत कोमल होता है। अरे भाई, जान है तो जान है। जब बच्चे को आपका बच्चा इतना प्यारा बच्चा है, आप उसको परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे थे तब कोई कोचिंग नहीं थे क्या? तब IAS IPS नहीं बन रहे थे? तब डॉक्टर नहीं बन रहे थे? आज से भी अच्छे नंबर भी ला रहे थे, बन भी रहे थे सारे के सारे लोग। ये कोचिंग कोई रास्ता नहीं, कोचिंगों ने ये माफिया खड़ा हो गया। और जो कोचिंगों का जो माफिया खड़ा हुआ है, सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने SPs को पावर दी, तो SP कलेक्टर इन कोचिंगों में और इनके ज्यादा जो मालिक है उनके प्रभाव में नहीं आए। जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है वो एक्शन लेकर दिखाएं, यदि वो नहीं लेंगे तो जनता एक्शन लेगी। तो ऐसे कोचिंग रेगुलर हो रहा, एक कोचिंग वाले के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि जिसने आगे बढ़कर ये कहा कि मेरी आज आत्मा रो रही है, उससे पैसे इकट्ठे करने में लगे। अरे मरोगे क्या ज्यादा ले लेके? भगवान छोड़ेगा नहीं। ये नीति बदलो। और ऊपर आप कोचिंग है, वहां से बच्चा कूद रहा, उसको क्यों नहीं करते झाड़ ऊपर लगाते? अब ऐसे कोचिंगों पर मैं सारे SP कलेक्टर से कहूंगा, सरकार की तरफ से आदेश है, आप मजिस्ट्रेट जाके खुद चेक करो। आप चेक नहीं करोगे तो पूरे राजस्थान में हमारा जो कांग्रेस का संकट है वो जाके चेक करेंगे, बच्चा कूद कैसे जाए ऊपर से? आप बड़े बड़े झाड़ लगा दो तो बच्चा कूदेगा कैसे? 2 मिनट के लिए गुस्सा आता है। कोचिंग वाले 1 रुपया खर्च नहीं करते कि बच्चों की सेफ्टी के लिए। आपने तो गैर कानूनी तो सारे कोचिंग बना लिए, इसलिए कोचिंग वालों का इलाज करेंगे? ये कोचिंग वालों को CM ने समझाया, जब मुख्यमंत्री के समझाने से नहीं समझ रहे तो कानून के डंडे से समझाए। आप देख रहे हैं कि एक तो क्या है कि रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले क्या है कि आदमी परिवार के बीच में बैठता था, बात करता था, रास्ता बताता था आगे का, थोड़ा अध्यात्म भी था। आजकल क्या है, लोग बच्चे भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा, ये तो गंदी संगत छोड़े, गंदे लोगों का साथ सोसाइटी छोड़े। ये ज्यादातर जो है ना गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छा सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा देश 140 करोड़ का है। यहाँ गरीबी भी है, अमीरी भी है, मध्यम वर्ग के लोग भी है। तो ये सोसाइटी के पीछे बहुत सारे रीजन काम करते हैं, कई बार डिप्रेशन में आदमी आ जाता है। हम तो यही अपील करेंगे स्टूडेंटों को, आप अपनी पढ़ाई करें ताकि आप लोग आने वाले इस देश का आप भविष्य हो। पार्टी का हितमय करेगी और हम सब उसका पालन करेंगे। चर्चा होगी तो स्क्रीनिंग कमेटी से तो पूछा जाएगा, आप मजबूत हैं, आपके पुत्र मजबूत हैं, वहाँ से क्या स्थिति रहेगी? जो पहले उनको पूछ लीजिए, फिर जो जवाब देंगे आपको बता देंगे। जयपुर के राजनीतिक मिजाज पर क्या आपको लगता है? पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर कही जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लगातार सुसाइड हो रहे हैं, 2 सुसाइड हुआ कल भी। आप वरिष्ठ मंत्री कैसे देखते हैं आप कोटा में सुसाइड्स के मामलों को? नौजवान जो अपनी जान देता है सबके लिए दुखदायी होता है। और ये जो कोचिंग सेंटर का मामला जो चला है, इसके बारे में पूरे देश में विचार करना पड़ेगा कि लोग इतने अपने बच्चों पर इतनी आशाएं लाद देते हैं, अपने आप को माता पिता कर्ज में डुबो लेते हैं। बच्चा वहां जाता है, अकेला होता है, उसको उस पर एक तो पढ़ाई का प्रेशर होता है, दूसरा इस बात का प्रेशर होता है कि मेरे माता पिता ने अपने आप को कर्ज में डुबो लिया। वो प्रेशर सहन करने के लिए वहां अकेला होता है। तो इस व्यवस्था पे ही पुनर्विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में एक नीति बनाए, किसी को कम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम कर्ज नहीं लेना पड़े, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट को पढ़ने वाले बच्चों पे कि हम अगर कुछ नहीं बन पाए तो हमारे माता पिता क्या करें। क्या आपको लगता है किस तरीके से प्रशासन ने नोटिस दिया हुआ था कि संडे के दिन कोई टेस्ट नहीं होगा, बच्चा फ्री रहेगा, लेकिन उसको दरकिनार करके टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट से जस्ट निकलते ही छत से बच्चा। बात सिर्फ अकेले टेस्ट की नहीं है, बात तो जो आशाओं का बोझ है उसकी है। इसको अगर कम नहीं किया गया तो हमको मतलब हमारे जो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हो सकते थे उनको अपनी जान देनी पड़ेगी। हम सबके लिए चिंतन कार्रवाई करेंगे दिखवाएंगे। जो सर आपने कहा कि कोचिंग नहीं सुलझ रहा है, आपके 3 विधायक हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं मेयर को उठाने की, जवाब दे दिया। जोशी जी आपने कहा कि कोचिंग व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत है, क्या आपको लगता है कोचिंग व्यवस्था पर कुछ समय के लिए बैन लगा देना चाहिए? मैं तो पक्ष में हूँ। आप पक्ष में? मैं पक्ष में हूँ
कि जब तक कोई नीति नहीं बन जाए ये कोचिंग व्यवस्था इसे बैन होना चाहिए। सर कार्रवाई होगी क्योंकि नोटिस के बावजूद भी वो संडे को इस तरह का कर रहे हैं। आपके विरोधी आपकी लोकप्रियता को बचा नहीं पा रहे हैं, वजह क्या है? पाचन शक्ति क्या मुझे पता नहीं, मुझे अपनी पाचन शक्ति के बारे में पता नहीं, मैं दूसरी क्या विरोधियों को बचा लेते हैं आप। लेकिन एक बार रोल करना, क्या कॉन्फिडेंट है जीत जाएंगे इस बार, माहौल ठीक है? अगर मैं जीतने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होता तो टिकट नहीं मांगता। राजस्थान के कोटा स्क्रीनिंग कमेटी में विनेमल गेंदे को टिकट मिलेगा, उनके पास सर्वे है सबका। अपनी पैरवी आप किस तरह का सुझाव किस तरह का देना चाहते हैं? पहले थोड़ी बताऊंगा मैं अंदर एक बार मीटिंग कर रहा हूँ फिर बताऊंगा। जो लगातार सुसाइड हो रही है, कल भी दो बच्चे। एक्चुअली में सुसाइड के बारे में सोचना पाप है और करना माँ बाप है, इसलिए इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए समय समय पर, साइकेट्री के डॉक्टरों से उनको बताना चाहिए। और सरकार ने भी जैसे कहा दो महीने से पहले टेस्ट वेस्ट नहीं हो, तनाव नहीं हो बच्चों, तनाव कम करने का। पार्टी जो सर्वे करवा रही है कई जगह से शिकायत आ रही है कि पहले से इन्फॉर्म हो जाती है और आगे क्या मिल लेते हैं। हो गई सब आगे क्या तो यार सर, क्या कुछ सोचना मिलेगा? रोहित बिहार का एक स्टूडेंट है, आदर्श की कोचिंग की तैयारी कर रहा था लैंडमार्क में रखे, इसके साथ इसकी बहन और एक कजन इसका भी साथ में रहता था। आज इसने जो है वो फंदा लगा के पंखे से और सुसाइड कर दिया। सर कैसे पता लगा इसका? आज इसका वो टेस्ट था और ऐसा बता रहे इसके जो बहन है वो कि उसके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, लगभग 250 नंबर ही आ रहे थे, 720 रुपये लगा था उससे वो। तो सर इसकी जब सिस्टर और ये कहाँ गई हुई थी? ये भी उसी मकान में थे, वो अलग प्लेट है वो, तो जब इसको खाने के लिए उसने खोला नहीं, खाने के लिए आवाज लगाई तो इसने दरवाजा नहीं खोला, तो फिर इन भाई बहनों ने मिलके और दरवाजा तोड़ा। सर इससे पहले भी एक सुसाइड भी किया ना करूँ आज के दिन में दो? हाँ एक सुसाइड वहाँ भी हुआ था आज, रिलायबल कोचिंग के अंदर कोई बच्चा था जो आविष्कार नाम था उसका, उसके भी आज टेस्ट था। टेस्ट के बाद उसने जैसे ही टेस्ट देने के बाद वो 6th फ्लोर पे गया और वो रेलिंग से नीचे टूट गया। सर कुछ सुसाइड नोट मिला हो? नहीं सुसाइड नोट अभी तक तो नहीं मिले, पर जांच कर रहे हैं, कमरे की तलाशी ले रहे हैं और कोई कारण क्या रहा इसमें, वो सारी जांच दोनों ही सुसाइड वाले मामलों की कर रहे हैं। परिजनों को सूचना दे दी?